अलग अलग कलर में आप मंगा सकते हैं, आप देख लीजिए वेबसाइट में, और लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऐसे ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, इनके बारे में जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो गाइज, ये लोफर के जो कॉस्ट है ये मुझे मिला है अराउंड 1700 to 1800 ऑन सेल, जो कि मैंने नेमांस के ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाया है, एंड बट द ओरिजिनल कॉस्ट इज़ 3000 रुपीज़। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एंड मुझे लोफर्स की ज़रूरत थी, काफ़ी अच्छे लोफर्स लगे मुझे, रिव्यूज़ अच्छे आ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। देखते हैं इसका फर्स्ट लुक कैसा है लोफर का। सो ऐसा कुछ बॉक्स इसका, एक बैग मिला है, कैरी बैग, जिसमें आप लोफर्स को डाल के कैरी कर सकते हैं कहीं पर भी नेमांस के लोगों के साथ। और ये रहे हमारे स्नीकर्स, फर्स्ट लुक। काफ़ी रिव्यूज़ ढूंढ रहा था मैं यूट्यूब में कि इस लोफर्स के मुझे मिले, बट ज़्यादा मिले नहीं अच्छे, तो सोचा मैं ही एक बना दूँ। और ख़ास बात देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए मीट रिलीव निट लोफर्स, तो इसको निट लोफर्स का नाम दिया गया है स्पेशली नीमांस के लोफर्स को, एंड मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल्स। कैसे उसका प्रोसेस भी दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा मुझे एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लगा, तो काफ़ी अच्छा। एक प्लास्टिक बॉटल्स, देन प्लास्टिक फ्लेक्स, देन पैलेट्स में कन्वर्ट होते हैं फ्लेक्स, देन निट थ्रेड्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन ये लोफर्स, नेट लोफर्स तैयार हो रहे हैं, ऐसा कंपनी का दावा है। काफ़ी अच्छा इनोवेशन लगा मुझे, चलो ट्राई करके देखते हैं। प्रोडक्ट तो हमारे पास है ही, और बॉक्स में अगर बाकी कुछ नहीं है तो बॉक्स रख देते हैं साइड में। अब आते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की तरफ। ये देखिए तो काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट लग रहा है मुझे तो, ज़बरदस्त क्या बोलते हैं क्वालिटी, अभी तक तो हाथ में फील लेने के बाद तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और निट, निट लोफर नाम दिया गया है इसको, तो इसके आप देख सकते हैं ऊपर निट्स, ये जो बना हुआ है ये पूरा निट से बना हुआ है, तो निट दिया हुआ है, निट थ्रेडिंग्स दिया हुआ है यहाँ पे। काफ़ी स्मूथ फिनिशिंग है, काफ़ी बढ़िया है, और नीमांस का लोगो भी है अंदर, आप देख सकते हैं। अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है अभी तक तो, काफ़ी लाइट इन वेट है। अब तक मैंने बहुत सारे लोफर्स लेके पहने हुए हैं, रेड टेप के, आपके US पोलो, बट इसकी क्वालिटी ज़रा मुझे उठ के लग रही है इस बार। एंड ये देखिए आप, इसके बॉटम में काफ़ी अच्छा एक रबर के ऐसे क्या बोलते हैं स्पॉट्स दिए हुए हैं नीचे सोल में, शायद कुशनिंग के लिए, एक्स्ट्रा कुशनिंग के लिए। तो अभी तक तो जो मेरा पहला रेटिंग मैं दूंगा 10 में से, इसको मैं पूरे 8.5-9 पॉइंट्स दे सकता हूँ इसकी क्वालिटी एंड फिनिशिंग एंड लुक की वजह से। इसका बैक पोजीशन भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, बैक में भी हील की तरफ काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट, एंड फ्रंट टो में भी काफ़ी अच्छा एक बेस। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट लग रहा है मुझे अभी तक तो, एंड नीमांस का लोगो हर जगह आपको दिखेगा, यहाँ पर, अंदर, अभी तक तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लग रहा है मुझे। जब पहनूंगा इसको, उसके बाद जब रिव्यू करूंगा तो मैं भी आपको और अच्छे से बता पाऊं मैं। ये देखिए एक अच्छा पैटर्न, एक अच्छा डिज़ाइन, और ये साइज़ 8 है जो मैंने मंगाया है मेरे लिए, बिकॉज मेरा साइज़ 8 है। एंड ओके, यहाँ पे ये देखिए रिलीव निट लोफर, कैसा एक लोफर जो होता है वो कम्फर्टेबल नहीं होता है बेसिकली, बिकॉज इसका जो नीचे का जो बेस होता है वो घस जाता है वेयर एंड टेयर से, एंड फिर वो चुभने लगता है, तो इसमें मुझे वो बात थोड़ी अलग नज़र आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो, ये देखिए कितना बड़ा कुशन दिया हुआ है यहाँ पे इनसाइड में, ये कुशनिंग देखिए, तो काफ़ी अच्छा कुशनिंग है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा इशूज़। ये कुशनिंग देखिए आप, काफ़ी एक्स्ट्रा पैडिंग दिया हुआ है इसके सोल में, तो ये ख़ास बात है, ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेन दिखने में सब कुछ अच्छा होगा लोफर, लेकिन पहनने में कंफर्टेबल नहीं होगा तो कोई मज़ा नहीं होगा। इसमें लिखा गया है कि आप इसको वॉशिंग मशीन में भी डाल के धो सकते हैं, तो वॉशिंग मशीन में ज़्यादा फास्ट, एकदम हार्ड, हाई स्पीड में ना रखते हुए, एकदम लो स्पीड में रखते हुए, थोड़ा सा डिटर्जेंट यूज़ करते हुए हम इस लोफर को वॉशिंग मशीन में डाल के धो सकते हैं, ऐसा लिखा गया है इसके केयर में। और इसको टम्बल ड्राई मत कीजिए, इसको ड्राई करने के लिए आप सिर्फ निकाल दीजिए और सुखा दीजिए। तो ये देखिए, ये भी एक खास बात है, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली बोल रही है कि आप इसको वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं, तो ये एक अमेजिंग बात लगी मुझे इसकी।